हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अभी बहुत खराब है और इसके साथ साथ एक एयरफोर्स का भी झड़प हो चुका है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान का F-16 को मार गिराया गया। पर इस घटना में इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप के बीच में जितना इफेक्ट डाला है, उससे ज्यादा माना यह जा रहा है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट का रिलेशनशिप के बीच में F-16 क्या रोल निभा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट का हथियार बेचने का जो पॉलिसी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है। कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसी एरिया में बीते दिन हुआ डॉगफाइट में इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान का एक F-16 को मार गिराया गया, और इस डॉगफाइट में इंडिया ने भी अपना एक MiG-21 बाइसन खो दिया। पर पाकिस्तान का जैसा फितरत है वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान खाली ये डिनाई नहीं किया है कि उन्होंने एक F-16 खोया है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी मानने से राजी नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कोई F-16 का इस्तेमाल हुआ है बोल के। पर जब उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमराम मिसाइल का एक टुकड़ा दिखाया गया, तो उससे पाकिस्तान का ये दावा कि पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल नहीं किया है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एमराम जैसा मिसाइल इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास F-16 के अलावा कोई भी जेट नहीं है जो मिसाइल को इस्तेमाल कर पाए। तो इससे साफ साफ ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान द्वारा उस दिन F-16 का इस्तेमाल हुआ था। और इसके साथ साथ सुनने को ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में स्थित यूनाइटेड स्टेट का जो एम्बेसी है, उसके तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश किया गया है और जवाब मांगा गया है कि पाकिस्तान के तरफ से F-16 का इस्तेमाल क्यों हुआ है। इसके अलावा इंडिया द्वारा जो सबूत दिया गया है उसको लेके भी यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसी पाकिस्तान को बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पाकिस्तान कौन कौन सा नियम का उल्लंघन किया है। 2008 में यूनाइटेड स्टेट द्वारा पाकिस्तान को कुछ नया F-16 बेचा गया था, साथ ही साथ पाकिस्तानी फ्लीट में जो पुराना F-16 था उसको भी अपग्रेड किया गया था। पर ये डील कुछ कंट्रोवर्सी में था, और वो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान को ये F-16 किस लिए दिया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये बताया गया था कि पाकिस्तान को ये F-16 दिया जा रहा है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट का ट्रूप जो अफगानिस्तान में डिप्लॉय है उसको हेल्प करने के लिए। पर अमेरिका का कुछ एजेंसी द्वारा ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान का दोगलापन का नीति को देखते हुए ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान ये सब F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से ज्यादा इंडिया के खिलाफ अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और सेम टाइप का ऑब्जेक्शन इंडिया के द्वारा भी उठाया जा रहा था। पाकिस्तान को 2008 में जो F-16 दिया गया था और अपग्रेड किया गया था, वो F-16 लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ लैस था, साथ ही साथ नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी भी था उसमें, जो कि इंडिया के तरफ से यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ऐसा हथियार पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। और ये क्वेश्चन उठना लाजमी भी था, क्योंकि तब यूनाइटेड स्टेट का और इंडिया का रिलेशन भी बहुत अच्छा था, साथ ही साथ इंडिया यूनाइटेड स्टेट से बहुत सारा हथियार भी खरीद रहा था, जिस वजह से इंडिया का इंटरेस्ट को रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान को जो F-16 दिया उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दिए थे। और ये रेस्ट्रिक्शन था कि ये F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा ये F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान F-16 को डिफेंसिव मोड के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पर किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए F-16 इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इतना सारा शर्त के बाद तब यूनाइटेड स्टेट इंडिया को भी राजी कर पाया था। पर रिसेंटली जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट का जो फॉरेन मिलिट्री सेल का एग्रीमेंट है उसका क्लियर वायलेशन है। साथ ही साथ इंडिया के तरफ से यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन लग सकता है कि ये सब F-16 यूनाइटेड स्टेट का देखरेख में था और पाकिस्तान इसको इंडिया के अगेंस्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। पर ये सब चीज से बढ़ के जो क्वेश्चन था वो था कि इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रिलेशनशिप है, मतलब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो हथियार का खरीदारी का जो रिलेशनशिप बड़ा है, इस घटना के बाद आगे जाके वो रिलेशनशिप कहाँ पे रुकेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा घटना नहीं है और यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में छोटा मोटा रिलेशन भी नहीं है। दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का रिलेशनशिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 114 नया एयरक्राफ्ट के लिए $15 बिलियन का जो टेंडर फ्लोट किया गया है उसको लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट बहुत सारा हथकंडे लगा रहा है। दोस्तों, 2008 के समय में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में करीबन $1 बिलियन का डिफेंस
ट्रेड होता था, जो कि अब बढ़ के करीबन 18 बिलियन डॉलर बन चुका है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। 2013 से 2017 के बीच में इंडिया और अमेरिका बीच में जो डिफेंस डील हुआ है वो करीबन 550% बढ़ गया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, जबकि यूनाइटेड स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपोर्टर भी है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप में एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। रिसेंटली इंडिया अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए 114 नया प्लेन खरीदने का प्रस्ताव डाला है और ये प्रस्ताव के तहत इंडिया करीबन 15 बिलियन डॉलर खर्चा कर सकता है। इस डील में फ्रांस का डेसॉल एविएशन, स्वीडन का साब, रशिया का यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर और यूनाइटेड स्टेट का लॉकेट मार्टिन और बोइंग कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट बहुत सारा दाव पेच लगा रहा है कि ये 15 बिलियन डॉलर का डील उसे मिल जाए बोल के, और इसके तहत यूनाइटेड स्टेट इंडिया को पहले F-16 का ऑफर भी किया था और उस ऑफर के तहत इंडिया को यूनाइटेड स्टेट का F-16 का सोल मैन्युफैक्चरर बनाया जाने वाला था, पर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट का F-16 पाकिस्तान द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं चाहता है। पर यूनाइटेड स्टेट अपना कोशिशों को बंद नहीं किया और लगातार नया से नया ऑफर इंडिया को पेश किया जा रहा है। पर रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूनाइटेड स्टेट का ऑफर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। अब देखना है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाता है। दोस्तों अब हम चलिए बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया को क्या क्या ऑफर किया है। अमेरिका भारत को रिसेंटली F-21 का ऑफर किया। लॉकहीड मार्टिन के दावे के मुताबिक F-21 एक न्यू फाइटर जेट है जिसको खाली इंडिया के लिए बनाया जाएगा और इसका सोल मैन्युफैक्चरर इंडिया ही होगा। इस प्रोजेक्ट को लॉकहीड मार्टिन इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहता है, जिसमें इंडियन कंपनी टाटा को वो पार्टनर बनाया है। पर F-21 में क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या ये F-21 पुराना F-16 का जस्ट एक नया नाम है? लॉकहीड मार्टिन द्वारा पहले इंडिया को F-16 का ब्लॉक 70 वर्जन का ऑफर किया गया था, जो कि F-16 का सबसे एडवांस वर्जन है। साथ ही साथ ये भी ऑफर किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही बनाया जाएगा और दुनिया का तमाम मैन्युफैक्चरर प्लांट को बंद करके ओनली इंडियन प्लांट को ही एक्टिव रखा जाएगा। पर उसमें भी दो क्वेश्चन था कि F-16 जैसा जेट अभी दुनिया का बाकी देश रिटायर्ड कर रहा है, इस समय अगर इंडिया 114 F-16 खरीदेगा तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट का जैसा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का भी वैसा अमेरिका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इस बीच में अमेरिका अपना F-16 का प्लांट को क्यों इंडिया में शिफ्ट कर रहा है? और उसका जवाब ये था कि अमेरिका को अभी F-16 का जरूरत नहीं है, वो अपना F-16 का प्लांट में F-35 का प्रोडक्शन करना चाहता है। पर अमेरिकन फ्लीट में बहुत सारा F-16 का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा दुनिया का बहुत सारा कंट्री F-16 का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका F-16 का प्लांट को पूरा पूरी बंद करना नहीं चाहता है। और इंडिया का न्यू ऑर्डर के साथ अगर इंडिया में F-16 प्लांट को ट्रांसफर कर पाए तो यूनाइटेड स्टेट का फ्लीट मेंटेनेंस और दुनिया का बाकी जो F-16 है उसका भी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इससे साफ साफ ये साबित हो जा रहा है कि इंडिया को नया F-16 देके यूनाइटेड स्टेट इंडिया को एक पुराना F-16 का गैराज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता था। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि F-16 जैसा जेट पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और इसका बहुत सारा जानकारी पाकिस्तान के पास है, तो भारत अगर 114 F-16 खरीदेगा तो इससे पाकिस्तान के ऊपर भारत को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, ओनली नंबर में एडवांटेज मिल सकता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स F-16 से थोड़ा दूर दूर ही रहने लगा। पर इस बीच में इंडियन एयरफोर्स को F-16 के जगह में लॉकहीड मार्टिन द्वारा एक नया एयरक्राफ्ट F-21 का ऑफर किया गया, जो एयरक्राफ्ट अभी दुनिया में कहीं पे भी सर्विस में नहीं है। पर ये एयरक्राफ्ट कौन सा है? लॉकहीड मार्टिन का दावा के हिसाब से F-21 F-22 और F-16 के बीच का वर्जन है, मतलब दोनों एयरक्राफ्ट का हाइब्रिड, और इसको नियर फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी बोला जा रहा है। पर सोचने का बात है कि इसमें कितना सच्चाई है। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि F-16 का एयरफ्रेम में ही कुछ अपग्रेड करके F-21 बनाया जा रहा है। एयरफ्रेम रहेगा F-16 का, पर उसमें कुछ एवियोनिक्स और रडार वगैरह F-22 का लगाया जा सकता है, और यही सेम टाइप का ऑफर इंडिया को F-16 ब्लॉक 70 के हिसाब से भी पेश किया गया था। तो इसमें नया जेट कौन सा है? जस्ट F-16 ब्लॉक 70 का नाम बदल के F-21 रख दिया गया है, मतलब पुराना एयरफ्रेम नया एवियोनिक्स। पर दोस्तों जो भी हो, F-21 के नाम से लॉकहीड मार्टिन के पास 114 एयरक्राफ्ट इंडिया को बेचने का एक नया आशा जगा था, पर पाकिस्तान द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में F-16 का इस्तेमाल किए जाने को देख के और इंडिया के सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट द्वारा पाकिस्तान को F-16 इस्तेमाल करने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसका क्लियर वायलेशन होने के बाद अब ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेता है और अपना F-21 को बचाने के लिए या 15 बिलियन डॉलर का डील को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेता है। और हमें ये भी देखना है कि यूनाइटेड स्टेट का ये दोगलापन को देखने के बाद इंडिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को और एक मौका दिया जाता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस करके मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।